नकली खाद और कीटनाशक बेचने वाली जिस फैक्ट्री का सोमवार को खुलासा हुआ है वह जिले के इंदौर, भोपाल, मुरैना, भिंड और होशंगाबाद आदि जिलों में भी नकली खाद बेचती थी। इस लिहाज से यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। छापे के दौरान भारी मात्रा में मार्बल पाउडर, मार्बल दाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नमक, सल्फर, कोयले की चूरी जैसे दानों को ड्रमों में रखा गया था। केमिकल का मिश्रण पाए जाने के बाद इस फैक्ट्री को सील किया गया है। छापा की कार्रवाई में यह बात भी सामने आई है कि फैक्ट्री में बनाई गई नकली खाद और कीटनाशकों पर नामी खाद एवं कीटनाशक कंपनियों के लेबल लगाकर फुटकर व्यापारियों के माध्यम से किसानों को बेचा जाता था। जबलपुर के साथ आसपास के कई जिलों में सप्लाई के जरिए लाखों की कमाई संचालक कर रहा था। छापे की यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सहित SP बहुगुणा भी काफी देर तक मौके पर मौजूद रहे। शुरू की एक सूचना मिली थी कि यहाँ माढ़ोताल थाना क्षेत्र में खजरी खिरिया के पास बाईपास में एक बिल्डिंग में नकली फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बनाने का कारखाना चल रहा है। तो इस सूचना पर इसकी तस्दीक कराई गई और तस्दीक करने के उपरांत जो है सूचना सही पाए जाने पर आज क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा यहाँ पर रेड कार्रवाई की गई और इसमें ये तमाम काफ़ी मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर नकली बनाते हुए यहाँ पर पकड़ा गया है। इसके पश्चात जो है लोकल पुलिस जो माढ़ोताल पुलिस है वो भी ज्वाइंटली उन्होंने भी काम किया और इसमें फिर बाद में राजस्व विभाग की टीमों को भी बुलाया गया और अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी अधिकारी यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर श्री निगम साहब भी हैं और उनकी पूरी टीम है यहाँ पर और ये यहाँ जो नकली फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो इनके द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री में बनाया जा रहा था उसका पूरा आकलन किया जा रहा है।